राकेश जी, कई लोगों का कहना तो ये भी है कि जैसे ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला मोदी सरकार ने लिया, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी इस पे मिली, एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, क्योंकि चुनावी साल है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में किस तरीके से किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए जो उन्होंने कदम उठाया, उसका उन्हें चुनावी फायदा मिलेगा। क्या आपको ऐसा होता नजर आता है? मैं कह रहा कि प्रधानमंत्री बीजेपी के ही प्रधानमंत्री है क्या, कि चुनावी फायदा उनको ही दे रहे? प्रधानमंत्री तो वे हमारे भी होंगे, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री पद का इस्तेमाल गलत हो रहा है देश में? आप ये कहना चाह रही ना, आप प्रधानमंत्री के पद पे सवाल खड़ा कर रही? नहीं, मैं तो देश को बांटने का काम कर रहे। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। अरे सवाल का ही तो जवाब दे रहा। ये किसने कहा कि प्रधानमंत्री वो बीजेपी के हैं? उस आदमी का नाम बताओ। और ये किसने कहा कि प्रधानमंत्री पद का इस्तेमाल बीजेपी को होगा? इसका मतलब देश का प्रधानमंत्री के जो संवैधानिक एक पद है, उसका इस्तेमाल कुछ पार्टी के लोग अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं? आपने तो बहुत बढ़िया बात आज कही। नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, अगर मेरी बात इतनी बढ़िया लगी आपको तो इसका थोड़ा एक्सटेंशन भी आप सुनिए कि इसका एक्सटेंशन भी आप सुनिए। नहीं, आपने तो अपनी आत्माओं की बात कही। आपने तो नहीं देखिए, अब हम तो किसी पार्टी से है नहीं कि किसी की आत्मा की बात हम सुन लें, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का यह जरूर मानना है राकेश, तो आज ही पता चला हमको। आप मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे कह रही हूँ कि राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है, देखिए चुनाव से तो हटाकर आप किसी सरकार को देख नहीं सकते ना, और ना आप किसी पद को देख सकते हैं। इसलिए मैं बहुत ही सीधे सपाट लफ्जों में आपसे पूछ रही हूँ कि किसान उत्तर प्रदेश के, चाहे हम पश्चिमी बेल्ट की बात करें या पंजाब की बात करें। चलिए राकेश जी, आप पहले बोल लें, फिर मैं सवाल पूछती हूँ। नहीं, हम तो बोल रहे ना, हम तो बता ही रहे ना कि प्रधानमंत्री तो सबके हैं ना, या किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? बिल्कुल सबके प्रधानमंत्री हैं। हम तो ना सबके प्रधानमंत्री मानते हैं, तो हम वे किसानों के बारे में उन्होंने कोई बात करी तो उसका लाभ तो किसानों को भी होगा ना, या नहीं होगा? या मतलब उसमें भी वोट तलाश कर रहे? नहीं तो किसानों को लाभ हुआ, तीनों कृषि कानूनों की वापसी हो गई। हम तो कह तो रहे ना, ये क्यों तलाश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कह दिया और आपको यह लगता है कि उसका लाभ उनको ना मिले? लाभ होगा या नहीं? अरे हुआ है, हमारे दूसरे मसले भी है, हमारी बीजेपी से थोड़ा कोई हमारा वो है, बीजेपी को लाभ होगा? प्रदेश मुख्यालय पर हम जाके हम बीजेपी के मुख्यालय पर जाकर थोड़ा एमएसपी मांग रहे हैं? हम एमएसपी मांग रहे हैं भारत सरकार से, और कोई पार्टी उसके बीच में आएगी तो उसका विरोध करेंगे हम। हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, हम उससे मांग कर रहे हैं। अगर कोई उसके बीच में आएगा तो हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे, हमारा हक है मांगना। और हम देश के प्रधानमंत्री से मांग रहे, बीजेपी के अध्यक्ष से नहीं हम मांग रहे कुछ भी। वो अपना जाए लड़े चुनाव, उसको जहां लड़ना है, अगर वो बीच में आएगा तो विरोध होगा हमारा। हमारे हकों की लड़ाई है, हमारे मसले हैं, हम भारत सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, न कि बीजेपी से बातचीत करना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।